Hey guys, welcome back to my channel Kiran's Lifestyles. Hope you are doing great and welcome to another shopping haul. So guys, this video is all about to skincare haul because weather change हो रहा है और weather change होने पर क्या होता है कि हमारी body के लिए अलग अलग products की demand होती है और ये मेरे ही साथ नहीं सबके साथ होती है. सो गाइज, जो भी मैंने पर्सनल यूज़ के लिए सामान मंगाया हुआ है अपना, तो मैं उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी. और ये जो भी सामान है वो सारा का सारा मैंने अमेजोन से मंगाया है. सो बेसिकली दिस वीडियो इज़ फ्रॉम अमेजोन एंड प्रोडक्ट हैं बहुत सारे. सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइज, ये जो प्रोडक्ट हैं वो इस तरीके के बॉक्स में आए और ये तीन बॉक्स हैं. अगेन एक और बॉक्स है, इसके ऊपर मैं नहीं रख सकती बिकॉज बहुत अच्छा खासा इसका वेट है. इसलिए तो वन बाई वन करके मैं आपसे रिव्यू शेयर करूँगी. अपने सबसे पहले प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है एक चार्जर विच इज़ फ्रॉम नीविया. और इसमें ये तीन से चार वेरिएंट देते हैं आपको कि आप मतलब किसी भी जो तीन से चार वेरिएंट है उसमें आप चूज़ कर सकते हैं. और मैंने सेलेक्ट किया है ये फ्रेश पावर फ्रूट का और ये है 250 ml में है ये. सो गाइस, जो विंटर का जो टाइम आ रहा है ना, तो उस टाइम के लिए मैंने चार्जर को चूज़ किया है बिकॉज सोप में और चार्जर में ये डिफरेंस आ जाता है कि आपने बॉडी पर अगर आप इसे ट्राई करके देखिए, मतलब यूज़ करते हैं अगर, तो बॉडी बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज रहती है. तो जब आप बॉडी लोशन यूज़ करते हैं ना इसके बाद, इसे यूज़ करने के बाद, तो आपकी बॉडी बहुत ही अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज रहती है, बहुत ही सॉफ्ट रहती है ये. और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही माइल्ड कह सकते हो, बहुत ही माइल्ड और बहुत ही अच्छी रिफ्रेश सी है, मतलब बहुत ही रिफ्रेश फीलिंग आती है उस टाइप की है ये. मतलब बहुत अच्छी, अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि निविया के तीन से चार वेरिएंट में चारों में ही फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी आती है. ये चार जेल है तो ये इस टाइप के जेल में आता है. ये बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा खासा लिक्विड है ये. ये देखिए, एक सेकंड, ये देखिए, ये है लिक्विड फॉर्म. बहुत ही छोटे से अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, आप अगर उसे लूफा में यूज़ करेंगे तो बहुत ही छोटे अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी आपको पूरी बॉडी के लिए और उससे बहुत ही अच्छे से वॉश हो जाएगी आपकी बॉडी वॉश से. ये है, अब बात करते हैं इसके प्राइस को. तो इसका जो प्राइस है वो है 199 rupees और मुझे ये मिला है 139 rupees में. गाइस, अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है एक बॉडी लोशन विच इज ऑल्सो फ्रॉम नीविया. ये यहाँ पर अभी आया हुआ है तो इसका टैग लगा हुआ है. तो ये है नीविया का. ओके, तो ये मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसके जो अलग वेरिएंट है ना, जो वेरी ड्राई स्किन का आलमंड ऑयल का, मैं वो यूज़ कर चुकी हूँ और उसका रिव्यू मैं इससे पहले आपको दे चुकी हूँ एक वीडियो में. तो ये मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ और इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि आप जब बहुत ज़्यादा धूप में बैठते हैं सर्दियों में या फिर बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं जो लोग, उनकी स्किन टैन हो जाती है. तो ये उन लोगों के लिए है कि उन्होंने मेंशन किया है अपने में कि आप दो हफ्ते में आपकी जो टैन, जो विजुअल दिखता है ना, टैन स्किन होती है वो कम होने लगती है. तो अब भी बात करते हैं इसमें क्या क्या है. तो इसमें उन्होंने दिया है SPF 15 है इसमें, इवन टोन कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी. नीविया की एक खास बात होती है कि अगर आपकी स्किन डल है और डैमेज स्किन है तो उसे रिपेयर करने में ये बहुत ही जल्दी अपना रिजल्ट दिखाता है. आप नीविया का कोई भी बॉडी लोशन यूज़ कर सकते हैं तो उसका आपको रिजल्ट बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा. तो इसका भी मैं यही उम्मीद करूँ कि इसका रिजल्ट भी मुझे बहुत जल्दी देखने को मिलेगा. और ये है 400 ml का, 449 rupees का है और मुझे मिला ये 300 rupees में मिला मुझे. और ये जो स्पेशली जो है वो है स्किन को ग्लो करने के लिए. सो गाइज, ट्राई करती हूँ और उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छा रहेगा ये. चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है एक सनस्क्रीन विच इज़ फ्रॉम BLCC, जो कि स्किन केयर के मामले में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट और ब्रांड है. अगर आप BLCC का फेस वॉश यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहता है. तो ये है सनस्क्रीन, जो कि इन्होंने दिया SPF 30 PA और 3+ दिया है इन्होंने इसमें. तो ये वेदर, मतलब आप कह सकते हो वेदर में अगर समर कह सकते हो या फिर विंटर भी कह सकते हो, दोनों के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा. और जो लोग CC क्रीम या BB क्रीम लगाना मतलब ज़रूरी समझते हैं, जो लोग बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, उन लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये टिंटेड फार्मूले में है. ये है टिंटेड फार्मूले में है और ये बहुत थोड़ी सी लेनी है आपको, पूरे में अप्लाई करेंगे तो ये इस टाइप से है ये.
नॉन ग्रीजी है, जो लोगों की ऑयली स्किन है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये नॉन स्टिकी और नॉन ग्रीजी है, बहुत ही आराम से अप्लाई हो जाती है, एब्जॉर्ब भी बहुत ही जल्दी हो जाती है। ये है जो कि मैंने बहुत थोड़ी सी ली थी, बाकी तो मेरे हाथ में है, तो ये देखिए इतने बीच में इन्होंने कवरेज किया हुआ है ये। और आपके फेस पर अगर पिगमेंटेशन है तो आपके पिगमेंटेशन को ये बहुत ही जल्दी से कवर करेगी, मतलब बहुत ही जल्दी से कम कर देगी। रही बात इसकी वाइटनेस की, मैं आपको दिखा दूँ दोनों हाथ में ये डिफरेंस है, आप देख सकते हो कि मैंने किस में लगाई है सनस्क्रीन, ये बिल्कुल वाइट वाइट सा थोड़ा सा दिख रहा है, ये थोड़ा सा वाइट वाइट क्या, आपका फेस जैसा दिखना चाहिए, थोड़ा सा ग्लो करता हुआ दिखना चाहिए। अगेन इसके बाद आप किसी चीज़ के, मतलब अगर आपको कॉम्पैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि डेली बेस में कॉलेज या ऑफिस के लिए बेस्ट है ये, इसका डिफरेंस ये। ओके, तो बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसका जो प्राइस मेंशन किया है 320 रुपीज़ है इसका प्राइस, और मुझे मिला ये 250 रुपीज़ में। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है एक लिप बाम विच इज़ फ्रॉम मेवेलिन, जिनके लिप बाम बहुत ही अच्छे आते हैं। अगेन इसमें भी आपको चार वेरिएंट मिल जाएंगे आराम से, मतलब इसमें जो कलर होते हैं वो आपको चार कलर मिल जाएंगे, वेरी क्रश करके होता है, एक पिंक होता है, एक रेड वाइन कलर करके होता है, और एक मुझे नहीं याद है। तो मैंने लिया पिंक लोलिटा, बिकॉज ये जो है ना लिप बाम जब आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही लाइट, मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइट पिंक कलर होता है वो रहता है आपके लिप्स पर। अगर आप मतलब लिप बाम लगाने के बाद कोई लिपस्टिक अप्लाई करते भी हैं तो इसके कलर से आपको कोई मतलब नहीं रहता है। अगेन अगर आप डेली भी लगाते हैं तो बहुत ही लाइट पिंक रहते हैं लिप्स, तो वो बहुत ही नेचुरल लगते हैं, तो सबसे अच्छी चीज़ ये है इसके साथ। दूसरा ये है कि इस लिप बाम को लगाने के बाद आपके जो लिप्स हैं ना वो बहुत ही लंबे टाइम तक मॉइस्चराइज रहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग है ये, और आप बहुत टाइम तक इसे अगर यूज़ करते रहेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली जो लिप्स के जो साइड्स में जो डार्कनेस होती है ना वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है, ये इसका बेस्ट क्वालिटी है। तो जैसे फेस के लिए सनस्क्रीन ज़रूरी होता है, वैसे ही हमारे लिप्स के लिए भी सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बट उससे हम सनस्क्रीन की क्रीम तो अप्लाई कर नहीं सकते। सो गाइस इसमें दिया है इन्होंने SPF 16, यहाँ पर उन्होंने किया है ये मेंशन, ये है इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है, और ये है 4.5 ग्राम का, जो कि बहुत ही लंबे टाइम तक अच्छा खासा चलता है, बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली है ये, मतलब अपने स्लिंग बैग में भी आप इसे आराम से कैरी कर सकते हैं आप इसे। ओके, प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 165 रुपीज़, और ये मुझे अप्रॉक्स 150 रुपीज़ का मिला था। जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। और इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए अगर आपको वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं और आपको इस टाइप के वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे चैनल अभी सब्सक्राइब करना होगा गाइस। चलते अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है एक रोज़ वाटर विच इज़ फ्रॉम डाबर, डाबर गुलाबरी के नाम से ये फेमस है, जो कि मतलब ऑलमोस्ट सबको ही पता होगी ये चीज़ तो, ये डाबर गुलाबरी है। ओके, तो ये मैंने लिए है पैक ऑफ टू में, और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आपको टोनर चाहिए तो वो बेस्ट है आपके लिए कि आप टोनर का यूज़, डाबर गुलाबरी से बेस्ट हमें नहीं लगता कोई और होता है। फिर अगर आपको नाइट रूटीन है आपका स्किन केयर का, तो सबसे लास्ट में अगर आप कॉटन की बॉल्स में डिप करके इससे अपने फेस पर यूज़ करते हैं तो सबसे बेस्ट नाइट क्रीम कह सकते हो, बेस्ट सबसे बेस्ट रहती है ये, इसका रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा बाद में। बात करते हैं इसकी क्वालिटीज़ की, तो ये है डाबर गुलाबी प्रीमियम रोज़ वाटर देते हैं ये लिख के यहाँ पर, क्योंकि ये सच में होता है, क्योंकि ऑल स्किन टाइप है, इसने आपको कभी नहीं सोचना पड़ता कि मेरी ऑयली स्किन है, मेरी ड्राई स्किन है, तो ये ऑल स्किन टाइप है। सबसे अच्छी बात ये पैराबिन फ्री होता है पूरी तरीके से, और 100% रोज़ ऑयल ही होता है ये, और ये ऑलमोस्ट सबका ट्रस्ट होगा इस पर। तो ये है, और ये है 400 ml की, तो इस टाइप से मैंने ये पैक ऑफ टू में मंगाया हुआ है, और एक बोतल मुझे पड़ी है 125 रुपीज़ की, और ऑफ़र पे थी तो मुझे ये मिली है 100 रुपीज़ की। और अगर फिर भी जो भी पहली बार यूज़ कर रहे तो प्लीज़ अपना पैच टेस्ट ज़रूर करें, हल्का सा ट्राई करें कहीं और अपनी स्किन पर, अगर वहाँ एलर्जी ना हो तो उसके बाद ही इसे यूज़ कीजिएगा।
चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट की तरफ जो कि है फेस वॉश, बिकॉज स्किन केयर इसके बिना अधूरी है पूरी तरीके से। तो ये भी मैंने पैक ऑफ टू मंगाए हुए हैं और ये भी 400 ml का, बिकॉज इसे और डाबर गुलाबी हो गया इस टाइप की चीज़ें हैं वो फैमिली में हर कोई यूज़ करता है, तो मुझे थोड़ी सी बड़ी क्वान्टिटी में मंगानी पड़ती है। तो कैसे ये, और ये पंप साइड में दिया है इन्होंने इस टाइप से, ये ओपन नहीं किया मैंने, ये देख सकते हो आप। प्राइस की बात करें तो इन्होंने प्राइस मेंशन किया है 830 rupees, ओके। और ये बहुत ही मतलब एक तरीके से तो बहुत ही अमेजिंग डील होती है ना, उस टाइप की ये डील है, क्योंकि ये मुझे मिला है 500 rupees में गाइस, मतलब बहुत ही अच्छी डील दी है। तो एक्ने प्रोन स्किन हो गई या ऑयली स्किन हो गई या ऑल स्किन टाइप हो गया, तो उन उसके लिए ये हिमालया का जो फेस वॉश है वो बेस्ट है, बिकॉज ये है नीम फेस वॉश, प्रिवेंट्स पिंपल्स, बिकॉज ये सच में बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर जिनके पिंपल्स होते हैं तो ये उनके लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं तो वो मतलब एक तरीके से कह सकते हो आप, अगर आँख बंद करके भरोसा कर सकते हो तो हिमालया बेस्ट है एक्ने प्रोन स्किन के लिए, बिकॉज मैं बहुत ही लंबे टाइम से यूज़ करती हुई चली आ रही हूँ, तो मुझे ये चीज़ पता है। और सबसे अच्छा ये है कि अगर आपकी जो स्किन में इम्प्योरिटीज़ होती है ना, उन्हें क्लीन करने के लिए ये बेस्ट रहता है, बहुत ही हार्श नहीं होता, आपकी जो स्किन होती है ना उसमें स्क्रैचेस नहीं आते हैं, बहुत ही खिंचती सी है स्किन, वो नहीं होती। अगर विंटर है, समर है या फिर रेनी सीज़न भी है, तो तीनों सीज़न के लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर आप सोचते हैं कि विंटर है तो उसमें ऑयल को खींच देगा, बिल्कुल साफ़ कर देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। अगर ऑयली स्किन वाले आप हैं तो, अगर एक्ने प्रोन स्किन है आपकी तब भी आपके लिए बेस्ट है, अगेन अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो उसके लिए भी ये बेस्ट प्रोडक्ट है गाइस। तो गाइस ये था हमारा स्किन केयर हॉल, जो कि पर्सनली मैं खुद यूज़ करती हूँ, वो रिव्यू मैंने आपको दिए हुए हैं, क्योंकि जो भी रिव्यू हैं इसके वो सारे के सारे जेन्युइन हैं, कोई भी प्रमोटेड नहीं है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसमें से कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो आप लोग भी यूज़ करते हैं, इससे पता चलेगा कि हाँ हर घर में कितने ज़्यादा ये वाले प्रोडक्ट यूज़ होते हैं गाइस। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के पास शेयर करें, इसी टाइप के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए शॉपिंग हॉल के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।